तो स्टूडेंट्स हमारे साथ सौम्यदीप हलदर है। सौम्यदीप हलदर, यदि आप लोगों ने पिछले साल अचीवर बैच किया था तो आपको एक कैरेक्टर दिखाई देता होगा इंदुजा हलदर नाम का। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता था हमारे यहाँ पे कोई इंदुजा हलदर है। मैंने कभी फोन पे बात की, बाद में हमें पता चला कि वो लड़की नहीं लड़का है, सौम्यदीप हलदर है। इंदुजा हलदर है कौन सौम्यदीप? सर वो मेरा सिस्टर आपकी सिस्टर है। आपकी सिस्टर भी नीट की तैयारी कर रही है या है। नहीं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वो मैथमेटिक्स पोस्ट में। ग्रेजुएशन में है? तो सौम्यदीप हल्दर जो हाँ इंदुजा हल्दर नहीं है, उनका इस बार स्कोर है 715। अब सौम्यदीप थोड़ी ट्रेजेडी बता दीजिए, 715 पे शायद आपकी लास्ट रैंक, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि किसी की रैंक 5 होगी और किसी की रैंक 19 होगी जो आपकी है? इस बार तो एज क्राइटेरिया जैसा कि एनटीए ने जेई में किया था वो नीट के लिए भी हटा दिया है, तो फिर 715 में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो एक डिसाइडिंग फैक्टर जो मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में रॉन्ग किया है। फिजिक्स में जो रॉन्ग किया है उसको 715 में सबसे पहले मतलब रैंक आया है, फिर केमिस्ट्री में रॉन्ग, और मेरा तो एक क्वेश्चन बायोलॉजी में रॉन्ग किया था इसलिए मेरा रैंक 19 आया अच्छा, सेवन यदि आपका फिफ्टी बायोलॉजी की जगह फिजिक्स में रॉन्ग होता तो आपका, तो कौन सा क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में रॉन्ग हो गया? वो वही एसटीडी एसटीडी वाला। हाँ वाला, आपने बीसीडी हाँ मार्क किया और आंसर बी सी था, भी। हाँ, तो आपने उसे चैलेंज नहीं किया? चैलेंज तो किया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही होगा, क्योंकि किसिंग से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं, ये फैक्ट है। कुछ हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं किया। यार सौम्यदीप, मैं सबसे पहले ना आपको अपोलोजाइज करना चाहता हूँ एनटीए के बिहाफ पे, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी चीजें होती रहती है। आप सब लोगों से जिनके ऊपर आपकी रैंक आ रही है एम्स में, उनसे एम्स में जाके बदला ले लीजिएगा, वहां पे दिखा दीजिएगा कि 720 मेरा भी है ना। चलिए, तो सौम्यदीप मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने टॉप 3-5 के अंदर देखा, तो हमें लग तो रहा था कि कुछ होने वाला है, तो काफी कंसिस्टेंसी थी। तो इतनी कंसिस्टेंसी कैसे होती थी, मतलब हाउ आर यू सो कंसिस्टेंट? मैंने आपको एक भी टेस्ट मिस करते हुए नहीं देखा। ऐसे तो कंसिस्टेंसी के लिए जो प्रोसेस चल रहा है उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हर टेस्ट है तो टेस्ट को अटेम्प्ट करो, उसके मतलब डर के टेस्ट को अगर छोड़ दोगे और प्रिपरेशन बुरा है फिर भी अगर अटेम्प्ट करोगे तो उससे ज्यादा फायदा है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट हो जाएगा, इसलिए कोई टेस्ट कभी छोड़ना नहीं चाहिए। टेस्ट छोड़ोगे तो मतलब अगर टेस्ट दे भी देते हैं और मार्क्स भी अच्छा नहीं आता फिर भी तो 180 और 200 क्वेश्चंस तो देख सकते हो, उससे ही बेनिफिट होगा, उससे हाँ, मार्क्स एंड रैंक मैटर नहीं करता। तो आप जो चीज बहुत आराम से बोल गए ना कि रेडी नहीं हो फिर भी दे दो, यहीं पे है ना, ये आसान नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सौम्यदीप ने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और कितना टेस्ट दिया। तो ये सौम्यदीप का टेस्ट प्रैक्टिस है, आप लोग होपफुली स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो नीट 2021 का इन्होंने एग्जाम देने के बाद जब आए तो 715 इन्होंने अटेम्प्ट किया था, 715 उस टाइम पे आ रहा था। और यदि आप ये देखेंगे 562 इन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किए, और यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे तो इन्होंने सौम्यदीप 28,760 क्वेश्चंस। तो आपने सारा वो सीक्वेंस में पहले इजी फिर मीडियम वैसे करके सारा जो नीट प्रेप के क्वेश्चन बैंक में दिया था वो प्रैक्टिस कर डाला। हाँ, ऑलमोस्ट वेरी गुड। आपने देखा हमने अपने टेस्ट सीरीज अपने डैशबोर्ड पे कुछ चेंजेस किए हैं, अभी एक ट्रैकर वगैरह डाल दिया है, आपके टाइम पे नहीं था, उससे काफी एक्साइटिंग हो जाता है। तो देखिए हमने ऐसा कुछ एक ट्रैकर डाल दिया है, तो बच्चों सभी। को ये देखा आपने? हाँ, मैंने देखा था, मतलब डिटेल्स में नहीं देखा, मैंने सुना था कि चेंज हुआ है। बहुत सही। चलिए तो सौम्यदीप दिस इज फैंटास्टिक, 28,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस और 562 टेस्ट, पर ये ज्यादातर टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह नहीं है, जेईई नहीं, पार्सल। मेन, हाँ टारगेट टेस्ट, मिनी टेस्ट, और हम छोटे मोटे एंड में हमने काफी सारे, हमने जितने भी एंड में टेस्ट डाले, डायग्राम वगैरह, एनसीईआरटी बैग सारे कर डाले आपने। हाँ डायग्राम का जैसे कि दो दो डाले थे उसमें शायद एक किया था, ऐसे ऑलमोस्ट हो गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, इनफैक्ट दो तीन सवाल हैं।
रात को देर से सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, या फर्क नहीं पड़ता? 7 घंटे सोना चाहिए। कितने घंटे सोते थे रात को? मेरा तो स्लीप टाइम 7 to 8 आवर्स ही था, 7 to 8 hours था। और मैं रात को पढ़ता था, रात को जग के। और ऐसा भी हर स्टूडेंट का ही होना चाहिए कि कोई फिक्स ऐसा नहीं, सबका ह्यूमन का बॉडी क्लॉक डिफरेंट डिफरेंट है, सबका मतलब पीक परफॉर्मेंस टाइम भी डिफरेंट है, इसलिए इसको देख के फॉलो करके कि हाँ ये सुबह 5 बजे उठता था तो मैं भी उठ कर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यार मुझे कोई सुबह 5 बजे उठने को कहेगा हर रोज, तो मैं वो एग्जाम की तैयारी बंद कर दूंगा, राइट? मुझे भी मतलब पहले पहले ऐसे बोला था कि सुबह पढ़ो, फिर मैंने भी ट्राई करेक्ट। किया था, देखा एकदम हो नहीं रहा, पूरा डूब जाएगा ऐसे किया तो। अच्छा सौम्यदीप, एक चीज बताइए, किस जगह पे आपको आके लगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रैंक आएगा? किस जगह पे आपको लगने लगा था? 12th में लगने लगा था, 11th में लगने लगा था? हाँ 12th के मतलब बोर्ड से पहले जब सिलेबस सब कंप्लीट हो गया था और फुल सिलेबस टेस्ट होना स्टार्ट भी हो गया था, तब ऑलमोस्ट पता चल गया था, और बोर्ड्स की भी प्रिपेयर कर रहा था, मगर अचानक न्यूज़ आया कि बोर्ड्स कैंसिल हो गया, उससे थोड़ा सा लगा कि टाइम बर्बाद गया, मगर फिर भी मेकअप कर लिया जो टाइम गया था बाद करेक्ट। में। तो एक चीज बच्चों को जरूर बताइए, आपका 715 का परफॉर्मेंस तो 12 सितंबर को हुआ, पर बहुत पहले आपको आइडिया लगना ये चालू हो गया होगा कि हाँ थिंग्स आर इन प्लेस, सवाल आते हैं तो मेरे से हो जाते हैं, गलतियां ज्यादा नहीं हो रही, आई एम इन कंट्रोल, टाइम पे पेपर खत्म हो जाता है। वो 200 क्वेश्चन में टाइम का भी बड़ा इश्यू हो गया था कि आपको 200 क्वेश्चन रीड करना है, तो आपको टाइम का प्रेशर नहीं हुआ था एग्जाम के अंदर? क्योंकि आप, हमारा जो लास्ट टेस्ट था 5th सितंबर को जो हमने लिया था, उसमें आपका 710 आया था हाँ 710। और नीट में 715 आया, तो आपको सेंस आ गया था कि आप टाइम वगैरह का सही सीक्वेंस बैठ गया है? पहले बायो के आप पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वैसे करते होंगे? हाँ मैंने पहले तो पूरा 2 साल 180 क्वेश्चंस वाला फॉर्मेट प्रैक्टिस किया था, मगर नीट के पहले अचानक वो फॉर्मेट चेंज हो गया, 200 क्वेश्चन हो गया, तो उससे पहले तो स्टूडेंट को लगेगा हाँ बहुत अच्छा है कि 15 से सिर्फ 10 करना है, मगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें जब सब आता है तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ, तो उसमें और टाइम चला जाता है, और हुआ भी बहुत स्टूडेंट्स है कि डिसाइड ही नहीं कर पाए एंड तक कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें सेक्शन बी में, तो इसीलिए तो मैंने अपना जो सीक्वेंस है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वो एकदम फिक्स कर लिया था, जब पता चला कि हाँ वो सेक्शन है सेक्शन बी वाला फॉर्मेट ही आएगा, तो हर टेस्ट ऐसा ही देता था कि पहले बायोलॉजी का मतलब बॉटनी का सेक्शन है सेक्शन बी, फिर जियोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर एंड में फिजिक्स का, ऐसे ही प्रैक्टिस किया तो नीट के दिन में ऐसे ही हो गया टाइम। चलिए बहुत बढ़िया है। कुछ फाइनल टिप आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एक चीज तो मैं बच्चों से ये बोलूंगा, आपसे जो मुझे सुनने को मिल रहा है और जो मैंने पर्सनली देखा, हालांकि इंदुजा हल्दा को देखा, अब जाके सौम्यदीप हल्दा पता चला, तो एक भी टेस्ट मिस नहीं किया है ना, नहीं हाँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाई दे रहा था हमें, पीछे डेटा दिखाई दे रहा था। इट वॉज नॉट एज इफ ही प्रैक्टिस 50,000 60,000, बट 28,000 इज अ फिनोमिनल नंबर। सौम्यदीप मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहता हूँ, अभी आपसे मिलना भी होगा, आप ज्यादा दूर नहीं होंगे हमसे, एम्स दिल्ली में। तो हम लोगों ने क्या किया, एक रेकमेंडेड एमसीक्यू सेट भी बना दिया 15,000 क्वेश्चन का, विच कवर्स ऑल द टॉपिक्स। क्या मिनिमम ये कर लो, आप 20 टेस्ट लिखोगे, 200 क्वेश्चन ही, तो 4,000 क्वेश्चन वहां पे हो गए, 19,000 20,000 क्वेश्चन आर गुड इनफ फॉर यू टू हैव गुड फेमिलियरिटी। और हाँ एक बार सिलेबस खत्म हो गया, 96 चैप्टर का, इतना क्वेश्चन कर लिया, फिर आप और करना चाहो करो, पर ये नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर बड़ा पसंद आ रहा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन उसका 800 क्वेश्चन कर लिया, और रोटेशन मोशन और रे ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो हाँ आप बताइए, आपकी तरफ से फाइनल आपका एक कोई चीज आप बोलो कि इसकी वजह से आई हैव बीन सक्सेसफुल, आई गॉट 715, वो एक बड़ी चीज क्या है? मैं बड़ी चीज तो बोलना चाहूंगा कि इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर नीट, अगर कोई चैप्टर मान लो रोटेशन का फिजिक्स का बहुत अच्छे से समझ भी आ गया उसका मास्टरी कर ली, और जूलॉजी का लाइक रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं आता तो नीट में जाके पक्का एक क्वेश्चन तुमसे छूट जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो तुम्हें नहीं आता उससे आसान क्वेश्चन आ जाए और जो तुम्हें आता है उससे भी ज्यादा टफ आ जाए, तो इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट,
चाहे वो आप आप देख किसी भी लीजिए, लेवल। हमारे पास एग्जांपल है, सौम्यदीप का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलत नहीं हुआ, बायो में गलत हुआ है। तो आप अज्यूम करेंगे हमेशा कि अटकेंगे आप फिजिक्स में, कुछ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, और उस टाइप के अजम्पशन नहीं करने। तो सौम्यदीप फिनोमिनल, क्या बांकुड़ा में आपने सारे घरों में मिठाई बांट दिया या अभी मिठाई बांटने का कार्यक्रम चल रहा नहीं अभी चल रहा है, कंटिन्यू। है? तो हमारे लिए बंगाली मिठाई लेके आइएगा जब आप हाँ देश की मिठाई सर, खाने के श्योर लिए, है ना? तो गाइस, वी आर श्योर। वेरी एक्साइटेड, वेरी प्राउड। सौम्यदीप ने इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और सौम्यदीप दिस इज फिनोमिनल। मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज, देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स के नाम है। ये चीज हमको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। तो वेस्ट बंगाल देखिए, यदि आपको दिखाई दे, सॉरी मैं नीचे आता हूँ, यदि आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे तो हाँ ये देखिए, इन सब जगह से हमारे स्टूडेंट्स है, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, अलीपुरदार, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान, हाँ पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, हाँ है ना? हाँ तो दिस इज व्हाट इज मोस्ट एक्साइटिंग फॉर अस, कि ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन की वजह से पॉसिबल हुआ है, कि अब फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, हैदराबाद में नहीं है, हाँ आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर, यदि डॉक्टर एनके शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ बायोलॉजी, आपको दिल्ली में होने की जरूरत नहीं, बांकुड़ा में है तो पढ़ लेंगे उनसे, है ना? हाँ हाँ तो ये तो आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी बेस्ड, आपको बस जाना है, एक कोर्स ज्वाइन करना है, और सारे बच्चे उसे, 35,000 स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द सेम क्वेश्चन बैंक, राइट? तो हाँ दिस इज वेरी एक्साइटिंग। तो थैंक यू वेरी मच सौम्यदीप, और इंजॉय करिए, और जैसे मैं आपकी डॉक्टर शर्मा से बात कर रहा हूँ या आर्यन से बात कर रहा हूँ, तो वो आपको बताएंगे कि जब तक आप एम्स में नहीं आए हो, मजे कर लो, और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप पढ़ाई चालू होगी, और फिर पीजी की दौड़ हाँ चालू होगी, है ना, पीजी और नेक्स्ट वगैरह की। हाँ चलिए सौम्यदीप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपसे सर, बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सर।